बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये छोटी सी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था मेरी लास्ट वीडियो पे, जिसमें एरोक्स 3.2 की मैंने वीडियो बनाई थी न्यू वेरिएंट की। उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की थी कि जो वोल्ट एम्पेयर होते हैं, जिसे हम वी ए कहते हैं, वो वी एम्पेयर, जो वोल्ट एम्पेयर होते हैं और वाट्स जो होते हैं, उसका ताल्लुक पावर फैक्टर से है। अगर इन्वर्टर वन, पावर फैक्टर वन है, तो उसके वोल्ट एम्पेयर और वाट्स जो है वो इक्वल होंगे। तो इनवरेक्स एरोक्स 5.2 का ये मॉडल है, तो मैं एक साइट पे मौजूद था, तो मैंने सोचा कि इसको टेस्ट किया जाए। तो उनकी बात बिल्कुल सही है। देखिए आउटपुट में आप देख सकते हैं 944 वाट आ रहे हैं और वोल्ट एम्पेयर भी तकरीबन वही बनते हैं। देखिए 9.66 वोल्ट एम्पेयर हैं, तो 9.42 वाट्स हैं। तो इसका मतलब 100% ये है कि उन्होंने बिल्कुल सही बताया है मुझे कि जो एरोक्स 5.2 है, ये प्योर जो है वो शाइन वेव है। इसके अलावा इसका पावर फैक्टर वन है, प्योर पावर फैक्टर वन है, इसकी वजह से इसके वोल्ट एम्पेयर इक्वल है वाट्स के। इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो 100% इक्वल आएगा। तो अगर ये 5.2 इसको कंसिडर कर रही है, तो ये डेफिनेटली 5.2 ही है। तो ये एक चेक था, और मुझे एक हमारे यूज़र ने, हमारे सब्सक्राइबर ने इसकी निशानदेही की थी, और मैंने आज उसको क्रॉस चेक किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जल्दी मौका मिल गया इसको क्रॉस चेक करने का। तो मैंने सोचा जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि वोल्ट एम्पेयर या तो क्रॉस कर रहे हैं या वाट्स के इक्वल है। तो इसका मतलब ये कि इस इन्वर्टर का पावर फैक्टर वन है। तो जिस इन्वर्टर का भी पावर फैक्टर वन होगा, तो वो आपको आइडियल परफॉर्मेंस देगा। और यही वजह है कि आज भी इस इन्वर्टर की जो होलसेल प्राइस है वो 95,000 के अराउंड है, और रिटेल ये तकरीबन 1,00,000 के आसपास हो रहा है। तो एरोक्स सीरीज़ जो है वो उसके सारे वेरिएंट एक जैसे रिजल्ट नहीं रखते। ये पिछले साल का वेरिएंट है, ये आप देख सकते हैं कि वाइट कलर का एरोक्स है 5.2, और इसका जो पावर फैक्टर है वो 1 है। और ये आज एक क्रॉस चेक करना था हमने, और ये हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मेरे वो यूज़र जिन्होंने कमेंट किया था, सब्सक्राइबर, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने गाइड किया और आज हमने इस टेस्ट को फॉलो कर लिया। और दोस्तों को भी ये मैं रेकमेंडेशन दूंगा कि देखें, डिस्कशन करने से आप एक अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हैं, और आपको पता चल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं कि उसमें कहाँ पर गैप है, कहाँ पर नहीं है। तो डिस्कशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर बिफोर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट। और आपके कमेंट्स का मैं ज़रूर वेट करूँगा। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, क्या कमेंट करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर कोई इस तरह का चेकअप, जैसे कंपैरिजन की बहुत सारी वीडियोस मैंने बनानी है, तो उससे उसके साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह मैं उन्हें चेक करता रहूँगा, जो मेरे लिए पॉसिबल होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे ज़रूर चेक करूँ। तो आई होप कि आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी आपको। हमें मोटिवेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।